चूरी। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बेसिक का फोर्थ लेसन हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं और इसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँ कि हमारे जो ये तलकटु दीर्घम गुड़ी गुड़ी दीर्घम कोम्मु कोम्मु दीर्घम रुत्वम एत्वम एत्वम दीर्घम ऐत्वम ओत्वम ओत्वम दीर्घम औत्वम सुन्ना विसर्ग ये हम अपने फर्स्ट क्लास से लेकर टेंथ क्लास तक जितने भी क्लासेस में पढ़ते हुए आए जब तक ये उसके अंदर ये ऐसी पढ़ते हुए आते थे। क्या बोल गए? तलकटु 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 दीर्घम 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 गुड़ी 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 मंदिर गुड़ी मंदिर गुड़ी मंदिर बोल के पढ़ते थे। मगर ये गुड़िया मंदिरा क्या काम करते कोई भी नहीं बताते थे। तलकटु दीर्घम गुड़ी बोले गुड़ी गुड़ी मंदिर हो गया ना ये। अरे कहां से ये हमको फिर इसका मतलब क्या है, इससे फायदा क्या है, कैसे लगाना है, ये कोई भी नहीं। अब मैं यहाँ पर बता दिया आपको, मैं ये जो का है का के ऊपर राइट लगा हुआ है, का के ऊपर राइट लगा हुआ है, चा के ऊपर राइट लगा हुआ है, ऐसा हर के ऊपर ये सिंबल्स लगे हुए हैं, ये तलकटु का सिंबल लगा हुआ है। अब मैं यहां पर एक का की जगह पे ये खा ले लिया, इसके ऊपर तलकटु लगा हुआ नहीं है और ये खा है, और एक सिंबल ले लो मैं ये ला है, इसके ऊपर तलकटु लगा हुआ नहीं है। तो ऐसा ही ये तलकटु, फिर इसके ऊपर जब तलकटु है तो इसके ऊपर तलकटु है ना, है ना। तो यहां पर ये चीज नहीं समझा कि हमको ये तलकटु तलकटु तलक इसके अंदर ये है कि आप ये तलकटु लगे तो भी आप इसके अंदर आके आवाज लाना है, तलकटु नए रहे तो भी इसके अंदर आके आवाज लाना है, तलकटु रहे तो भी आके आवाज लाना है, तलकटु नहीं है तो भी आके आवाज लाना है। ये चीज ध्यान में रहना, ये तलकटु लर्न करने से कोई फायदा नहीं है हमारी। अब उसके बाद नेक्स्ट जब ये सिंबल लगाना है, अब इसको दीर्घम बोल के बोलते हैं, मैया तलकटु दीर्घम गुड़ी गुड़ी दीर्घम को मैं अवॉइड करके क्या कर रहा हूँ आपको, मैं आसानी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ये सिंबल, इसको सिंबल बोलेंगे अपन, जब ये सिंबल ऐड करेंगे तो जब ये सिंबल लगेगा तो इसके अंदर आके आवाज आना, ये चीज है मेरे की। क्या करना है? अब ये क्या हो गया, ये का, ये क्या हो गया चा, ये क्या हो गया ना दा मा या सा। अब ये सा का फिर क्या है यहाँ पर प्रॉब्लम, जहां जहां पर भी राइट है वो राइट की जगह निकाल के लगा दे रहे, ये है लेकिन भी ये राइट का ऐसा सा ऐसा नहीं बनता, ये जो पा है पा ऐसा नहीं बनता, ये शाह है शाह ऐसा नहीं बनता। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर थोड़ा लंबा खींच के लिखना पड़ेगा ऐसा, यहाँ पर वही चाहिए, ये सा ये पा ये शाह, और ये जो हा, हा को मात्रा लगाना है तो क्या करना है, ऐसा लगा के हा को हा की मात्रा लगाना पड़ेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जब ये सिंबल लग रहा, जब ये सिंबल लग रहा तो इसके अंदर क्या आना, कोसी आवाज आना है, इसके अंदर ई की आवाज आना है, ये चीज ध्यान में रखना है। अब ये क्या बन गया की, ये क्या बन गया ची, ये क्या बन गया नी, ये क्या बन गया दी, ये क्या बन गया मी। अब यहां पर जो है ये इसको सिंबल नहीं लगता, इसका सिंबल ऐसा ऊपर नहीं लगा सकते, ये इस वास्ते नहीं लगा सकते कि हमारे पास एक वर्ड है घा, अब इसको नीचे लगा दिए तो ये घा बन जाता है, ये घा को एक ही मात्रा लगती, उस वास्ते हम क्या कर रहे हैं इसको सिंबल नहीं लगा रहे, नहीं लगा खाली क्या कर रहे ऐसा छोड़ दे रहे, तो इसको क्या करना है ई बोल के ऐसा पढ़ना है। अब उसके बाद नेक्स्ट सी पी सी ही, पूरे जहां जहां पर भी राइट है वो राइट निकाल देना है, राइट की जगह पर सिंबल ऐड कर देना है, समझ में आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट अब क्या हो गया, ये भी सिंबल रन करे, ये सिंबल लगा, ये दो सिंबल लगा के अब क्या होगा, हमारे टू लेटर वर्ड बन गया, ये दोनों को अगर मैं मिला के पढ़ लू तो क्या बोल के बोल के का की बोल के पढ़ लू, उसके बाद चा ची बन गए,
उसके बाद में ना नी बोल के बोल गए, उसके बाद में दा दी बोल के आ गया, उसके बाद में माँ अमी बोल के आ गया। अब ये काकी चाची नानी मामी दादी लाना पूरे जो है ये पूरे खानदानी भरे इस वास्ते बता रहा हूँ कि मैं उनको हमारे बेचारे नानी बहुत ज़ईफ़ है, हमारे बेचारे दादी बहुत ज़ईफ़ है। अब उनको जरा हल्लू बोले तो सुन नहीं आता, दादी बोल के लंबाई बोलना पड़ता, थोड़ा खींच के ही बोलना पड़ता। तो यहाँ पर भी ये यहाँ पर बाई वन गेट वन फ्री, एक लर्न करो दूसरा फुकट में मिल जाता आसानी के साथ, याद आता था जरा लंबा खींच के पढ़ना है। क्या बोल के पढ़ना है यहाँ पर की ची नी दी मी, फिर अगेन यहाँ पर फिर कन्फ्यूजन में इस वास्ते यहाँ पर बॉक्स में आपको अंडरलाइन करके बता रहा हूँ। ये जो बॉक्सेस यहाँ पर बताया गया भाई, ये बॉक्सेस में जो वर्ड्स है वो हमको बहुत ज्यादा परेशान करने वाले वर्ड्स है। अब ये जो ई है अगेन ये सेम ई ऐसे ही लिखेंगे, लिख के हम क्या कर रहे हैं इसको लंबा ऐसा आ की मात्रा लगा रहे हैं, तो ये ई बोल के पढ़ना है, बाकी पूरे फिर सेम, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट फिर रहेगा यहाँ पर जब ये सिंबल लगेगा तो इसके अंदर ऊ की आवाज निकलना है। यहाँ पर ऊपर है देखिए ये ऊ का सिंबल है, ये सिंबल ये साइड का ये सिंबल अगर लग गया तो इसके अंदर कोसी आवाज आना है, ये ऊ की आवाज आना है। अब हम क्या बोल के पढ़ रहे हैं ये को ये चू ये सु, फिर दोबारा परेशान करने वाला वर्ड को सा ये पा, अगर ये पा है पाप को अगर मैं ऐसा नहीं लगा दिया, अगर ऐसा लगा दिया तो ये अगेन घा बनने के चांसेस है, ये अगेन यहां पर घा बनने के चांसेस है। तो उस वास्ते क्या करना है ये इसको ये निकाल के क्या करना है इसको नीचे से लगा देना है, तब जाके ये पू ऊ की मात्रा लगती। अगेन उसके बाद यहां पर क्या है ये वाह है, वाह को भी क्या करना है अगर बालू से अगर ये सिंबल अगर लगा दिए तो क्या बन जाता है ये माँ बन जाता। तो उस वास्ते क्या करना है इसको ये माँ ऐसा वा के बाद में लगा दे तो माँ बन रहा, तो उस वास्ते क्या करना है इसको नीचे से लगाना पड़ेगा, जब जाके ये वाकू की मात्रा बनती ये वो है। अब उसके बाद में फिर हर एक की जगह जो ये सिंबल लग रहा है वो सिंबल पूरे कार्डो बंडीरा में जितने वर्ड्स है उतने वर्ड्स के पास आपने लगा दिए, तो सेम अगेन। फिर उसके बाद नेक्स्ट बाय वन गेट वन फ्री, फिर वो खानदानी फार्मूला थोड़ा लंबा खींच के पढ़ने का, फिर ये लंबा खींच के पढ़ने में क्या पढ़ना है यहाँ पर ये अब इससे पहले ये सिंबल लगाए तो जस्ट ऊ बोल के पढ़ रहे थे, अब क्या करना ऊ की आवाज लाना है। यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा ये कु ये चू ये गु, फिर अगेन सेम क्या करना है ये पू, ये तो सिंबल ऐसा तो लगा दिए यहां तक तो इतना लगा दिए बोलते क्या करना फिर आपकी मात्रा लगाए तो फिर वो पू बोल के लंबा आ जाता। अगेन सेम यहाँ पर ये जो ऊ का सिंबल है ये ऊ के सिंबल के लिए भी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर नीचे से तो लगा दिया, लगा के फिर उसके अंदर ये आकी मात्रा का सिंबल लगाने से उसको लंबा खींच के पढ़ना, ये दो जगह फिर अगेन यहाँ पर थोड़ा हमारे को कन्फ्यूजन रहता। तो इस वास्ते आप ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं यहाँ पर बॉक्सेस बताया, वो बॉक्सेस के ऊपर आप थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते रहिएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जब ये सिंबल आएगा तो इसके अंदर रू की आवाज आना है। अब ये क्या है ये क्रू स्रु नृ प्रु जृ तृ गृ तृ मृ ब्रु, ऐसा पढ़ना है इसके अंदर। अब ये भी मैं विश्वास से आपको बता दूं कि हमारे 10th क्लास में एक वर्ड आता मृग तृष्णा बोल के, तो वो जो मृग तृष्णा लिखने के लिए हमारे को अब यहाँ पर मैं बोर्ड पे जगह नहीं है जिसके बाद में बताने की कोशिश करूंगा, वो जो मृग तृष्णा लिखने के लिए हमको यहाँ पर ये जो माँ है यहाँ पर ये माँ को एक बार ये रुखी मात्रा लगाना है, फिर उसके बाद ये ता को एक बार रुखी मात्रा लगा के ये मृग तृष्णा लिखने के लिए इस्तेमाल करना है। उस वास्ते में क्या कर रहा हूँ यहाँ पर और एक सेकेंड रू भी रहता है लेकिन वो रू का इस्तेमाल मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, मैं एक ही चीज यहाँ पर जो इस्तेमाल में आती वो उसके ऊपर हम ज्यादा लें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये जो सिंबल लग रहा तो इसके अंदर है एक ही आवाज आना है, कौन सा सिंबल आना है इसके अंदर एक ही आवाज आना है। अब ये क्या बन गया के खे
चे ने पे वे से टे ले गे। अब इसके अंदर क्या है, यहां पर जहां पर हमारा वर्ड खत्म होता वहां, फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये टा है, ये हमारा टा कहां पर खत्म हो रहा, यहां पर खत्म हो रहा, यहां पर खत्म हो तो क्या करना है, इसके कोने के प्लेस पे ये सिंबल लगा देना, और जहां पर ये क्या था, ये ना था, ये जो राइट का जो है ना, राइट का हिस्सा हटा देंगे, क्या करना है इसको, उसकी जगह पे हम क्या करना है, इसको ए का सिंबल लगा देना है। ये दो चीजें आप जहन में रख लीजिएगा, जहां पर राइट है वो राइट का प्लेस निकाल देना है, निकाल के उसकी जगह पे हम ये सिंबल ऐड कर देना है, और जहां पर ये जैसा कि जो वर्ड्स जिसको राइट का सिंबल नहीं है, वो राइट का सिंबल नहीं है, सो वाले वर्ड्स जो है वो वर्ड्स के ऊपर जहां पर ये खत्म हो रहा है उसकी जगह पे आप हमको यहाँ पर जो मात्रा लगानी है वो मात्रा लगा लेना है। तो ये चीज जहन में रखिएगा, अगेन सेम बाय वन गेट वन फार्मूला, बाय वन गेट वन फार्मूला, एक लर्न करो दूसरा फ्री में आ जाता, क्या करना है वही खानदानी फार्मूला, थोड़ा लंबा खींच के पढ़ने का। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जब ये सिंबल ए ऐसा ये तो लग रहा है, इसके अंदर ये सिंबल अगर लगा तो इसके अंदर ए की आवाज आना है। अब ये क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, के खे चे ने पे वे से टे ले गे, ये आवाजों से हम यहाँ पर इसको पूरा कंप्लीट करना है। अब उसके बाद नेक्स्ट ईयर ये सिंबल आएगा तो इसके अंदर आई की आवाज आना है, आई ए ए आई आई। अभी ये क्या है, इसके अंदर एक छोटा सा फार्मूला मैं आपको समझा दूं, ये जो 69 का फार्मूला है, ये 69 के फार्मूले में क्या होता है, ये एक बार ऐसा घुमाना है, एक बार ऐसा घुमाना है, एक बार आपके ये 69 को आप किधर से भी नोटबुक में इधर से उधर घुमा के देख लीजिए, ऐसे ही दिखता, यहाँ पर ऐसा घुमाना है, यहाँ पर ऐसा घुमाना है, ये लॉजिकल वर्ड है समझो, इसको ऐसा करते हैं कभी भी, हमेशा क्या करना है, यहाँ पर ये सिंबल ऐसा लगा दिए, ऐसा एक बार, ऐसा एक बार, ऐसा एक बार, ऐसा एक बार, तो इसको क्या पढ़ना है, आई की आवाज में पढ़ना है, गई नाई लाई बाई पाई साई खाई चाई जाई बोल के पढ़ना है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जब ये सिंबल लगेगा इसके अंदर ओ की आवाज आना है, क्या करना है इसके अंदर ओ की आवाज में पढ़ना है। अब ये ओ की आवाज में पढ़ने के लिए जब ये क्या कर रहे हैं, ये को बोल के पढ़ रहे हैं, अगेन उसके बाद में ये चो, अब यहां से शुरू होता है हमारा, फिर थोड़ा बहुत डिफरेंस क्या समझ में आता है, ये जो सिंबल ये ना है, ना के ऊपर ये जो राइट है, राइट की जगह पे हम ये सिंबल लगा रहे हैं, ये नो है, ये वो है, ये अगेन ये पो है, ये पा के ऊपर हम सिंबल लगा रहे हैं, पो है। अब इसके बाद ये सा को लगा रहे हैं, सो, ये पो, ये सो, ये शो। अब हमारे पास जो मेन जो प्रॉब्लम आने वाला जो वर्ड है वो वर्ड ऐसा रहेगा, इसके ऊपर ये सिंबल ऐसा सिंबल नहीं लगेगा, ऐसा सिंबल नहीं लगता, याद रखिएगा, माँ और या को ऐसा सिंबल नहीं लगता, माँ और या को ऐसा सिंबल नहीं लगता, ये दो चीजें आप जहन में रखिएगा, खाली इसको क्या करना है, हम यहाँ पर ऐसा ही रख देने का है, ये मो और यो, ये दो चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स है। फिर उसके बाद फिर बाकी का हा के ऊपर सिंबल यहां से लगाना है, अगेन सेम वही खानदानी फार्मूला, बाय वन गेट वन फ्री, एक लर्न करो दूसरा आसानी के साथ आ जाता। फिर अब इसको क्या करना, वही थोड़ा लंबा करके पढ़ना है, फिर क्या बोल के पढ़ना है, अभी ये को चो नो वो ओ सो शो, ये मो, ये एक मो था, ये मो के लिए क्या करना, जैसा इसी इतना लगा के यहां से ऐसा ऐसा इतना 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 यहाँ है। उसके बाद ये यो था, ये यो था, फिर सेकंड यो लिखने के लिए ऐसा लगा के ऐसा घुमा तो ये यो होता है, ये चीज जहन में रखना है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हो, अब उसके बाद जब ये सिंबल लग रहा तो इसके अंदर आओ की आवाज आना है, ओ ओ आओ आओ की आवाज आना है। अब ये पूरे क्या है, कौ चौ नौ वाओ, जहां पर राइट है वो राइट की जगह पे हम ये सिंबल ऐड करते रहे, वाओ, ये पाओ, ये सौ, ये शौ, ये मऊ, ये यौ, ये हौ। सो ये सिंबल्स थोड़े मैं यहाँ पर जो बॉक्सेस बताया था ये बॉक्सेस में आपको थोड़ा बहुत लिटिल बिट कंफ्यूज और
डिफिकल्ट रहते, तो ये चीज़ों को अगर आप समझ गए तो आसानी के साथ हमारे पास ये तेलुगु को लर्न करना इजी हो जाता। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये जो जीरो का सिंबल है, जीरो का सिंबल जब लग रहा है तो हमको क्या करना है, यहाँ पर अम की आवाज़ निकालना है, अम अम। अब ये क्या हो गया, ये कम, ये चम, ये लम, नम, जम, बम 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 बोले, क्या क्या बोलना है बोलो, चम बोलो, नम बोलो, जम बोलो, रम बोलो, कुछ भी बोलो। जब ये जीरो अगर आ रहा तो इसके अंदर लास्ट में आपको यम की आवाज आएंगी। अगर ये सिंबल अगर बीच में, अगर मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल में बताता हूँ, अगर ये बीच में अगर आ गया तो उसके अंदर आप एन की आवाज में पढ़ेंगे। अब यहां पर मैं एक वर्ड दिया भाई चन, या एक वर्ड लिख रहा हूं भाई चन दम। जब ये बीच में आ रहा है चंदम, एक ही वर्ड है ये चंदम, एक ही वर्ड है, तो जब आप यहां पर चम दम पढ़ने में मुश्किल हो जाती, एम की आवाज निकालने में मुश्किल हो जाती, तो जब बीच में आ रहा तो आप एन की आवाज प्रोनाउंस कर ले सकते, तो दो मिला के पढ़ेंगे आप तो चंदम बोल के पढ़ सकते, चंदम तो ही पढ़ो, चमदम तो ही पढ़ो। चमदम प्रोनाउंस करने में डिफिकल्टी होती, चंदम प्रोनाउंस करने में आसानी के साथ हो जाती, ये चीज ध्यान में रखना है। और उसके बाद लास्ट का जो हमारा अम आहा का जो वर्ड है, ये कहा, दहा, गहा, चहा, टहा, जो भी वर्ड्स है, ये जो वर्ड्स है, ये वर्ड्स हमारे को सिर्फ और सिर्फ दो ही लेटर्स में इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं इससे पहले भी बताया था आपको कहाँ पर अम आहा के, जबकि बताया था के एक दुखम का वर्ड लिखने के लिए बताया था और एक अंतःपुरम लिखने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये दो ही वर्ड्स में इस्तेमाल हो रहा उनके बताया था। तो ये हिसाब से हमको यहाँ पर अब ये सारी चीज़ों में हम सबको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 वर्ड्स है यहाँ पर, लेकिन 15 वर्ड्स में से हम सिर्फ और सिर्फ ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 13 वर्ड्स अगर हम परफेक्टली लर्न कर लिए तो हमारा तेलुगु आसानी के साथ कोई विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक के पढ़ने लिखने आसानी के साथ आ जाता। और रही दूसरी बात इसके अंदर, और एक वन मोर थिंग क्या हो सकता है, ये मैं यहाँ पर और एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगा आपको। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लर्न करना है, ये जो सिंपल लर्न करना है नंबर वन पोजीशन पे आ की मात्रा एक लर्न कर लीजिए, इनफ हो जाता। उसके बाद में यहाँ पर सेकंड ये ई की मात्रा लर्न कर लीजिए, आसानी के साथ इनफ हो जाता। अब इसमें कहीं कैसे एक लर्न करो दूसरा फ्री में आ जा रहा है ना, एक ही लर्न करे तो काफी है ना, दूसरा लर्न करने में क्या तकलीफ है आपको, तकलीफ कुछ भी नहीं है, खानदानी फार्मूला है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करो आप, यहाँ पर ऊ की मात्रा एक लर्न कर लो, सेकंड ऊ की मात्रा आसानी के साथ मिल जाती, ज्यादा मुश्किल तकलीफ नहीं है। फिर उसके बाद जब ये सिंपल आता तो यहाँ रुकी आवाज में एक सिंपल आप लर्न कर लीजिए। उसके बाद जब ये सिंपल लग रहा तो फिर ये एक ही आवाज में एक ही मात्रा लर्न करना है, यहाँ पर भी बाय वन गेट वन फ्री है, एक सिंपल लर्न करो दूसरा सिंपल आसानी के साथ फ्री में मिल जाता। उसके बाद में फिर यहाँ पर ये कई आई का सिंबल लर्न करो, ये एक आई का सिंबल लर्न कर लिए तो इनफ हो जाता। फिर उसके बाद में ये ओ का सिंबल लर्न करना है, यहाँ पर भी बाय वन गेट वन फ्री है, एक सिंबल लर्न करो दूसरा फिर सिंबल आसानी के साथ मिल जाता। फिर उसके बाद में आपको ओ सिंबल लर्न करना है, एक ओ का सिंबल लर्न करना है। अब ये तो फिर आपको आसानी के साथ आता ही आता है, हम की आवाज में निकालना है। तो यहाँ पर आप कितने लर्न कर रहे हो, सिर्फ ओनली 8 सिंबल्स अगर आप लोग परफेक्ट लर्न कर लिए बोल के बोल, तो इससे पहले हम 13 सिंबल लर्न करना था, 13 सिंबलों में से हम सिर्फ 8 सिंबल्स लर्न कर लिए बोल, तो बाकी सिंबल आप आसानी के साथ फ्री में मिल जाते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखे, इसको लर्न करने की प्रैक्टिस कर लीजिए। अब हमारी बेसिक क्लास की जो आखिरी जो है वो मैं अभी इससे पहले बताया था आपको मैं कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सिंबल्स है, ये 8 सिंबल्स आप लोग लर्न करेंगे तो यहाँ पर ये आ की मात्रा का सिंबल लर्न करेंगे तो आप ये पर आ की आवाज़ निकालना है, जब ई की मात्रा के सिंबल लर्न करेंगे तो बाय वन गेट वन फ्री, एक सिंबल लर्न करो दूसरा सिंबल आसानी के साथ लर्न हो जाता,
फिर उस अगेन उसके बाद में जब ऊ का सिंबल लगेगा तो एक सिंबल लगेगा तो दूसरा सिंबल आसानी के साथ एक सिंबल लर्न करो दूसरा सिंबल आसानी के साथ इजीली आपको मिल जाता है। उसके बाद में ये रू का एक ही एक सिंबल लर्न करो ए इनफ हो जाएगा। उसके अंदर जब ए का सिंबल लर्न करेंगे एक सिंबल लर्न करो दूसरा सिंबल आसानी के साथ फ्री में मिल जाने वाला है। जब ये सिंबल लगेगा तो इसके अंदर एक ही आवाज़ आना है, जब ये सिंबल लग जाए तो इसके अंदर एक ही आवाज़ लगा आना है। अब उसके बाद नेक्स्ट ये आई के लिए एक ही एक सिंबल याद करना जरूरी है हमारे पास। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जब ये सिंबल लगेगा तो इसके अंदर ओ की आवाज़ आनी है। यहाँ पर एक बाय वन गेट वन फ्री एक सिंबल लर्न करो दूसरा सिंबल लर्न करने के लिए आसानी के साथ थोड़ा सा ऊपर से ले लिए तो ये सिंबल, तो यहाँ पर ए जब ये सिंबल लगेगा तो इसके अंदर ओ की आवाज़ आएगी, जब ये सिंबल लगेगा तो ओ की आवाज़ बाय वन गेट वन फ्री और खानदानी फार्मूले के हिसाब से आप थोड़ा लंबा करके पढ़ेंगे तो ये हो जाता। अब उसके अंदर जब ये सिंबल लगेगा तो इसके अंदर ओ ओ औ जैसा अपन औ की आवाज़ करते हैं वो आवाज़ भी हम यहाँ पर लर्न करना जरूरी है। अब इसके बाद में अब यहाँ पर चंद चीज़ें ऐसे हैं काटू बंडीरा में जितने भी वर्ड्स हैं, काटू बंडीरा में जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे वर्ड्स में से काटू बंडीरा तक, काटू बंडीरा में जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे वर्ड्स के वत्तुलु सेम टू सेम लगेंगे। जैसा कि ये का है, ये चा है, ये चा को मैं अगेन सेम चा का आधा चा लिख रहा हूँ, कच्चा हो गया, अब ये कच्चा हो गया, ये हो गया बच्चा हो गया, ये फिर अगेन सेम टू सेम कच्चा बच्चा लिखा, ये आ है, ये टा है, ये अट्टा हो गया, अगेन सेम टा का टा लगा दिया, ये क्या है, ये फा है, ये टा है, ये फट्टा हो गया, ये अट्टा हो गया, फट्टा हो गया, टा का टा सेम लग रहा, ये पा है, ये अगेन पा लिख रहा हूँ मैं, पा के फिर अगेन से पा का सिंबल लगा दे रहा हूँ, पप्पा हो गया। फिर जब ये सेम पूरे सेम टू सेम आ रहे लेकिन इसके अंदर चंद वर्ड्स है, जब अपन मम्मा लिखना है तो माँ का माँ तो सिंबल अलग हो जाता। अब ये जो ऐसे सिंबल जो है ये ऐसे सिंबल अलग आने वाले जो सिंबल्स है ये पूरे सिंबल है, ये का का सिंबल है, ये का ऐसा लिखेंगे इसका सिंबल ऐसा रखेगा, ये ता इसका सिंबल ऐसा आ रहा है, ये चीज जहन में रखिएगा। यहाँ पर मैं फिर एक बार रिमाइंड कर रहा हूँ आपको, ये सिंबल ऐसा लगाना है, मैं इससे पहले यहाँ पर बता दिया था कि आपको 16 के फार्मूले में एक बार ऐसा घुमाना है, एक बार ऐसा घुमाना है, लेकिन ये जो सिंबल आ रहा ये सिंबल ऐसा आना है, ये चीज जहन में रखना है, इसको ता का सिंबल ता का वत्तु बोल के बोलेंगे। उसके बाद ये है ना का वत्तु है, उसके बाद ये है माँ का वत्तु है, उसके बाद ये है या का वत्तु है, उसके बाद ये रा का सिंबल है, और ये रा का सिंबल ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा नीचे से भी लिख सकते हैं, और ऐसा इधर साइड भी लिख सकते हैं, आप इधर से भी आप रा का सिंबल दे सकते हैं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। कभी कभार ये सिंबल नीचे से भी आता है, जैसा कि हमारे को यहाँ पर ये सा है, ये सी है, इसको ये ता का सिंबल लगा दिए, फिर इसके नीचे से ऐसा लगा दे तो स्त्री पढ़ना है। यहाँ पर ये सिंबल ऐसा भी आ सकता है, ये साइड भी लगा सकते हैं आप, ये साइड भी लगा सकते हैं आप, ये नीचे से भी लगा सकती है, तीन भी आप लगा ले सकते हैं। उसके बाद ये जो ला का सिंबल है, ये ला का सिंबल को क्या करना है, उल्टा डब्ल्यू लिख दिए या एम लिख दीजिए, यहाँ पर आपको ये ला का सिंबल आया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये जो वा का सिंबल है, ये वा का सिंबल ही, और यहाँ पर छोटी सी यहाँ पर ये माँ ऐसा है, ये वा सॉरी ये या का सिंबल ऐसा आया, ये वा का सिंबल ऐसा आया, ये दो चीजें थोड़ा फिर अगेन कंफ्यूज करने वाले रहते, ये दो चीजों को हमें, या का सिंबल कभी भी क्या रहता, ऐसा लाइन रहता, ये लाइन या ऐसा रहता और इसको ऐसा रहता, लेकिन वही वा का सिंबल जो है ये भी ऐसा ही रहता, लेकिन यहाँ पर इसको जीरो मुंडा लगाना पड़ता, ये चीजें हमें रखना जरूरी है। और ये या का और वा का सिंबल से लर्न करें। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला डिजाइन लॉजिक डिजाइन करके दिया, यहाँ पर फर्स्ट अक्का ये याद कर लीजिए, अक्का अत्ता अन्ना अम्मा भैया छर्रा अल्लाह कौवा, ये चीजें अगर याद कर लिए तो अब जैसा कि मैं बताया था इससे पहले ये जो सिंबल गुणितम गुरतुलु, ये गुणितालु लिखने के लिए एट सिंबल्स कैसे लर्न करना जरूरी है कि वैसा ही हमारे पास एट सिंबल्स, ये जो गुरतुलु के जो सिंबल्स है ये सिंबल्स भी लर्न करना बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें लर्न करिए बोलते हो तो हमारे तेलुगु पढ़ने में लिखने में कहाँ पर भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं आएंगे। तो इसी हिसाब से हमारे ये समस्या तेलुगु चैनल को लाइक करते रहिएगा, सबके सब्सक्राइब करते रहिएगा, और आने वाले दिनों में हम मजीद वीडियोस डालते रहेंगे, उन सारे चीज़ों को शेयर करिए, लाइक करिए और दूसरों तक पहुँचा दिए, ताकि हमारे जितने भी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं उन सारे लोगों तक ये चीज़ पहुँच सके। जजाकल्लाह खैर।